नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 14 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के ग्रुप डी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर से आपको बहुत सारे एग्जाम में सवालों को अच्छे तरीके से बनाने में मदद मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, सवाल में है कि प्रत्येक नौ मीटर की भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। घन का अगर आयतन की बात करें तो फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, ए क्यूब, और भुजा दिया हुआ है कितना, नौ, और 9 का क्यूब कितना होता है। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली मार दीजिए 729। 30 तक का कम से कम क्यूब आप याद कर लीजिए, कंपटीशन में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता है। देखिए इसमें दिया है 36, 48, 120, 300 का लसा बताइए। तो लसा आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन से चुन लें। जैसे मान लीजिए हम चुने कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए तो 900 देख लीजिए, लेकिन 900 में दिक्कत क्या है, कि ये 900 में दिक्कत क्या है, ये इससे नहीं कटेगा। देखिए 36 से कट रहा है, हाँ, 48 से कटेगा, नहीं कटेगा 48 से, क्योंकि 48 में एक तीन है, इसमें दो तीन है, ये 48 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। इस तरह 1200, 1800 इस तरह चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन से भी आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे कौन सा लसा सही है, कौन सा इन सभी से पूरा पूरा कटेगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड भी है, आप उससे भी बना सकते हैं। इसमें दिया है कि एक बेलनाकार छड़ का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यदि छड़ की लंबाई इतनी है तो छड़ का रेडियस पूछा गया है। रेडियस समझिए, यहाँ पे बेलन का बात किया गया है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh। तो बस बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला रख दीजिए, 2πR, यही पूछा गया है। हाइट दिया हुआ है 100, और आपसे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है, 2800। बस हो गया, इसको हल्का सा आप कटिंग कर लीजिएगा, आराम से आपको निकल जाएगा। देख लीजिए हम काट के भी दिखा दे रहे हैं आपको, 2 और 11 से काट दे रहे हैं इसको, तो 2 से कितनी बार, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 2 0 कट गया, यानी आर बराबर हो जाएगा 7 7 49/7 और 49/11, बस 11 चौक 44, ऑप्शन में जिसमें 4 हो। देखिए एक ही में 4 है तो बात खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन में देख रहे हैं 4 नहीं है, एक ही जगह 4 है, तो आप आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। 4ों में से बस एक ऑप्शन चुनना होता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, कॉम्पिटिशन में हमें एक ऑप्शन चुनना है बस, जितना हो सके अपना टाइम बचाते हुए। देखिए इसमें क्या दिया है, लिखा है नीरज और उसके बहन की आयु 12 और 3 वर्ष है, कितने वर्ष बाद नीरज की बहन की आयु नीरज की आयु से आधी हो जाएगी। तो एक तरीका तो होता है कि आप एक्स मान के बना लीजिए, कि हमें नहीं पता कितने वर्ष बाद, मान लीजिए कि भाई एक्स वर्ष बाद ऐसा होता है, तो हम इसमें भी देख लेंगे 12 + x, और 3 वर्ष की उनकी बहन की आयु है तो इसमें भी जोड़ लीजिए 3 + x, और कह रहे हैं आधी हो जाएगी, यानी 2 होगा तो ये 1 होगा। इसको भी आप अगर सॉल्व करिएगा तो एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 6। अदरवाइज एक तरीका ये भी बहुत अच्छा है कि आप ऑप्शन से डायरेक्टली बना लीजिए कि 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 3 वर्ष की अभी है तो कितने वर्ष बाद बोला गया, मान लीजिए 6 वर्ष बाद, तो 6 3 9, आप ध्यान देंगे तो ये 18 और वो 9 आ गया, हाफ आ गया ना, वही बात उसमें बोला भी गया है, बाकी किसी ऑप्शन में हाफ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। इसमें देखिए इसमें दिया है, आपसे पूछा है कि हरियाणा और राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर बताइए। हरियाणा और राजस्थान में, तो हरियाणा में 40%, अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, ये हरियाणा है और इसमें 40% दिया हुआ है, ये राजस्थान है इसमें 30% दिया है, तो इन दोनों में अंतर पूछा गया है, हरियाणा और राजस्थान में अंतर। तो 40% और 10% 30% का अंतर कितना आएगा, 10%। और इस सवाल में ऊपर कटिंग में छोड़ दिए थे, टोटल वैल्यू जो दिया था वो 20 लाख दिया था, टोटल वैल्यू 20 लाख दिया हुआ है, तो 20 लाख का केवल 10%, 20 लाख का केवल 10%, आप आराम से निकाल सकते हैं सर कितना आ जाएगा, 2 लाख। इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए, रेलवे में अप्रॉक्स वैल्यू पे सवाल बहुत आया, इस तरह का छोटा छोटा सवाल हर शिफ्ट में लगभग एक एक पूछा गया है, तो इस सवाल को बनाने का टेक्निक क्या है। सिंपल, जैसे 5.1 है तो ये 5 कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, ये 20, फिर यहाँ प्लस का साइन है, इसके बाद ये देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना में है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, फिर देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ 10/2, तो ये काट लीजिए 5 5 और 1, यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना आ गया, 5, और यहाँ पे प्लस प्लस में है और 1 है। अब इसमें एक ही बार देखिए, यहाँ 20 है + 10, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 - 5 25 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 26। एक ही बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस तो ठीक रहता है, अदरवाइज साइन में गलती होने पर गलत होने के स्कोप बढ़ जाते हैं, तो एक ही बार सॉल्व कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखा जाए, अगले सवाल में दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5 6 8 है और उनका लसा 1200 है। अगर अनुपात दिया है तो अनुपात में आप एक्स मान लीजिए 5x 6x 8x, अगर इनके लसा की बात करें तो लसा कितना हो जाएगा, 5 6 8 का लसा हो जाएगा 120, और x बराबर दिया हुआ है 1200, तो x बराबर हो जाएगा बाबू 10। आपसे पूछा गया है संख्याओं का योगफल कितना होगा, जोड़ लीजिए 6 5 11 8 19, x का मान 10, तो 19 10 में 190, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए हम आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल में। इस सवाल में देखा जाए क्या बोला गया है, इसमें दिया है कि 2 रेलगाड़ी, इस सवाल में सीखिए बाबू, इसमें दिया है
कि दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट साइड से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? इस सवाल में आपको बस इतना समझना है कि अगर ये दोनों गाड़ी विपरीत से आ रही हैं तो चाल जुड़ जाएगा, चाल कितना हो जाएगा 200, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना ही होगा, और बोल रहे हैं कि एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं, 12 सेकंड में, तो बस 12 सेकंड से गुना कर दीजिए। जब आप स्पीड को टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योग निकल जाएगा। आप इसको देखिए काट के, 6 3 18, 6 2 12, 5 2 10 2 20, यानी यहाँ हो जाएगा 2000, और बटे में कितना है 3। कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उनके द्वारा चली गई दूरी बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। अब एक ट्रेन का लंबाई दिया है 300, एक ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 300, तो बस माइनस कर दीजिए। जब दोनों का लंबाई 2000/3 है और एक का लंबाई 300 है तो बस माइनस कर दीजिए, 3 3 900 हटा लीजिए इसमें से, 1100/3, 1100/3 भाग दे दीजिए, 3 3 9 2 20, 3 6 18, 3 6, बस इतना काफी है, क्योंकि देखिए 3 6 यहीं पे है, यहाँ पे 3 8 है या 3 7 है या 3 3 है, तो 3 6 काफी है। मतलब शुरुआत में जब आप भाग दे रहे हैं तो एक दो डिजिट मिलाकर देखा कीजिए ऑप्शन को, कभी भी ऑप्शन आपको देखना ही देखना है, और जैसे ही मौका लगे कि ऑप्शन हम हिट कर सकते हैं सवाल को आगे सॉल्व बिल्कुल मत करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर पूरा पूरा सॉल्व करके आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप इस बात को समझेंगे कि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कम से कम समय में पूरे पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर चलते हैं। अभी सवाल को देखिए, इसमें दिया है कि 999 का क्यूब, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठिएगा तो आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि 999 गुना 999 गुना 999 करना आसान नहीं है, किसी भी टेक्निक से आसान नहीं है। फिर इस तरह का सवाल पूछने का क्या मतलब है? इस तरह का सवाल पूछने का मतलब ये है बाबू कि अगर हम 999 गुना 999 गुना 999 करेंगे तो क्या उसमें 9 है कि नहीं। आप खुद सोचिए, 999 9 से कटता है ना, तो जो वैल्यू आएगा गुना करके 999 गुना 999 गुना 999 करके जो आएगा वो वैल्यू 9 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे देखिए ये सब तो 9 से कट रहा है, लेकिन देखना 7 5 12, ये 9 से नहीं कटेगा, ये देखिए 7 3 10, ये 9 से नहीं कटेगा, ये देखिए 9 7, ये देखिए यहाँ पे 7 4 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यानी एक ही ऑप्शन उन्होंने दिया है जो कंप्लीटली 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, यानी चारों ऑप्शन में आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना है, बस 9 का रूल चेक कर लेना है आराम से, विदाउट पेन आप इस सवाल को बना सकते हैं, पूरा वक्त बचा सकते हैं, इसमें वक्त देने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को देखिए, इसमें औसत पूछा गया है, तो इसमें बहुत कुछ हमको बताने लायक नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 32 और 7 का स्क्वायर 49, और 5 संख्याएं हैं तो बस 5 से भाग जोड़िएगा तो ऊपर 135 आ जाएगा, 5 से भाग दे दीजिएगा आराम से आपको आंसर। ये बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन है, 4 5 नंबर है, आसानी से आप इसको जोड़ के बना सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा विजिबिलिटी कैसा है एक बार, अगर आपको देखने में दिक्कत होगा तो सुनिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है हाउस एस, यहाँ पे हाउस एस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 12% लिखा हुआ है। फिर बोला गया है हाउस टी, हाउस टी यहाँ के बाद यहाँ दिया है, ये हाउस टी है और इसमें 18% लिखा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अनुपात बताइए, तो हम संख्या निकालने नहीं जाएंगे कि हम 2400 का ये निकालेंगे, कुछ नहीं, हम रेशियो परसेंटेज का ही रेशियो निकाल देंगे, 12 18 का, हम परसेंटेज में ही रेशियो निकाल देंगे 12 18 का, और ये हो जाएगा 2:3। कभी भी रेशियो निकालने के लिए वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इस सवाल में देखिए, इसमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखिएगा बाबू एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो टॉप कोण है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है, इसके प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा। देखिए साफ साफ बोला गया है समद्विबाहु, ध्यान दीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये क्वालिटी है कि उसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अब सोच के देखिए त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 80 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे 100, और दोनों बराबर बराबर है तो पक्का है कितना कितना 50 50, तो इस तरीके से ये सवाल आसानी से बन जाएगा। अगले सवाल के लिए हम बढ़ रहे हैं। इसमें दिया है कि विवाह के समय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है 23, औसत आयु कितनी है 23। फिर लिखा है विवाह के 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। फिर यहां लिख दिया कि बच्चे के जन्म के समय, अगर 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा था तो जन्म तो 1 साल पहले हुआ होगा, यानी जस्ट 4 साल बाद। समझना यह है कि शादी के समय 23 औसत था, 4 साल बाद औसत कितना हो जाएगा 27,
4 साल बाद बच्चे के जन्म के समय औसत कितना हो जाएगा? 27। और ये दो लोगों का है तो 27 दुनी योग हो जाएगा 54 वर्ष। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि बच्चा का जन्म हुआ भले वो 0 ईयर का है, बट तीन मेंबर मानिए, यहां लिखा है 3 सदस्यों वाले इस परिवार का औसत कितना होगा, तो 3 से भाग देना पड़ेगा 18 वर्ष, है ना। आयु के इस सवाल को इस टेक्निक से आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। सवाल देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट इसमें कोई दम नहीं, आप इसे विदाउट पेन बना सकते हैं, यकीन मानिए आसानी से बनता है। देखिए, राघव की मासिक आय दिया हुआ है 18,000। ये दिया है कि राघव ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए 30,000 रुपए का लोन लिया है, तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में चुकाई गई जाने वाली जो राशि है वो मासिक वेतन का कितना परसेंट है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज के रूप में हम कितना चुकाने वाले हैं, तो वो बहुत हार्ड नहीं है। 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का हम चुकाने वाले हैं R into T% यानी 15%। तो कुल मिलाकर हम कितना चुकाने वाले हैं, 1500 रुपए। तो 4500 रुपए जो हम ऋण के रूप में चुकाने वाले हैं, ये आय का, आय कितना है 18,000, तो 4500 रुपए जो हम ऋण के रूप में चुकाने वाले हैं ये आय का कितना परसेंट है, आय कितना है 18,000 ऊपर दिया है, बस आप इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। बाकी आप अगर ध्यान दें तो 45 का 4 गुना नीचे है, 1/4 यानी 25% कंफर्म है ना बात, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में दिया है कि यदि 2, 3, 8 और Y 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं और लिखा है समानुपाती है। 4 अलग अलग संख्याएं कभी भी अगर समानुपाती दी जाए तो इसका मतलब है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात वही है जो आखिरी दो का है। इसको बनाने का टेक्निक सिर्फ इतना है कि 3 8 24 और बस बाहर बाहर वाला 2Y, यानी Y बराबर कितना हो जाएगा 12। इस तरह से बनाइएगा तो सही रहता है, फ्रैक्शन वगैरह में भी कई बार ये आता है, तो इस टेक्निक से बनाने में फायदा रहेगा। चलिए आगे के सवालों में देखते हैं क्या जानकारी लिया जा सकता है, क्या सीखने को मिलेगा इसमें। आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि यदि इतना समीकरण का एक हल है, मूल है, एक रूट है, इसका मतलब ये उसमें पुट करने पर वो सेटिस्फाई होता है, एक्स का ये मान सेटिस्फाई कर देगा उसको, तो के का मान निकल जाएगा, बस रख दीजिए। यहाँ वो करना थोड़ी कुछ है, देखिए के एक्स का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू -2/3 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -13 गुना एक्स का वैल्यू -2/3 रख रहे हैं, बस वैल्यू रख रहे हैं, -10 = 0, बस इसको सॉल्व कर देना है। आप ध्यान से देखिए, हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 दुनी कितना हो जाएगा ये 26। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 दहा में 30 और 30 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा -4/3, अगर उस तरफ भेज दे तो 4/3, और इस तरफ क्या है के फॉर्मेट में 4k/9, 4 से 4 काट लीजिएगा और 3 3 9, के बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे के सवालों को देखते हैं बाबू। इस सवाल में देखिए, ये रेकरिंग का नॉर्मल सा सवाल है, आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 696 को अगर तोड़िएगा तो नीचे में 696/2 में, क्योंकि 3 संख्याओं पे बार है तो 3 को 9 आएगा, और यहाँ पे 27/2 में 2 संख्याओं पे बार है तो 2 को 9 आएगा। इसके बाद 9 से काट लीजिए इसको, 9 से इसे काट लीजिए, 3 से इसे काट लीजिए, इसके अलावा 3 से और ये एक बार कटेगा क्योंकि ये ऊपर कट रहा है, बस अब नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा, 232 किसी भी ऑप्शन में ऊपर में नहीं है, 232 तभी आएगा जब 9 से इसको काटिएगा ऊपर नीचे, नीचे सब में सेम है, नीचे सब में सेम है वैल्यू, बस आपको 9 से ऊपर नीचे काटना होगा, ऊपर खाली काट के देखेगा, 9 से इसी को काटने पर आपका 232 मैच करेगा, इसीलिए ये सही है, 9 से ही ऊपर नीचे कटेगा बस, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसमें दिया है कि समीकरण इतने का रूट्स क्या होंगे। आपको हमेशा बताते हैं कि रूट्स आप निकालिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तब तो आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करके ही रूट्स निकालेंगे, लेकिन चूंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर बात है तो ऑप्शन दिया हुआ है तो हम रूट्स निकालें क्यों, क्यों नहीं हम ये सोचे कि हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -B/A यानी 8/√3। देख लीजिए किसमें जोड़ के 8/3 आ रहा है, बस मार दीजिए। अगर आप देखें किसी को भी √3 + 3, 3 - 5 नहीं आएगा, 8, 8 किस में आएगा, केवल इसी में आएगा और किसी में आएगा ही नहीं। इसको जब जोड़िएगा बाबू, देख रहे √3 √3 3 + 5 8 8/√3, यही एक ऑप्शन में आएगा। तो इस तरह से आसानी से आप बहुत कम समय देकर इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या दिया है। दिया है कि एक व्यापारी है, 3 व्यवसाय है, ये पार्टनरशिप का सवाल है नॉर्मल। इस तरह के सवालों में सबसे पहले तो आप इसको काट लीजिए, जितना कट रहा है इसको काटिए, काट लीजिए। इसके बाद जो समय दिया उसे गुणा कर लीजिए, यानी 5 महीने के लिए लगाया, इसने पैसा 6 महीने के लिए लगाया और इसने पैसा 9 महीने के लिए लगाया, तो पैसा बटेगा कैसे, देखिए ए को कितना पैसा मिलेगा 10 × 5 = 50, बी को मिलेगा 12 × 6 = 72 और सी को मिलेगा 15 × 9 = 135। बस हो गया, ए का दिया हुआ है, देखिए ए का हिस्सा कितना है 2500, तो 2500 जो हिस्सा है ए का ये 50 यूनिट के बराबर है, और आपसे पूछा है देखिए कुल लाभ, सबको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़िए, 7 × 5 = 12, 120 और 122, इसमें जोड़ के देखिए 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5 और 1 × 1 = 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 से खाली गुना करके 0 लगा लीजिए, यानी 50 × 257, आराम से आपको आंसर मैच कर जाएगा।
बस पार्टनरशिप का सवाल है, पैसे बांटने थे और कुछ खास इसमें नहीं है। ये सवाल देखिए, ये दिया है कि एक लड़का, इस सवाल को ध्यान से सीखे बाबू, रेलवे ने इस सवाल में दिया है कि 450 मीटर की दूरी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड लगता है, यदि वह उसी चाल से, सेम चाल से जिस चाल से उसने वो दूरी तय किया है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए सबसे पहला बात है कि मामला 1 घंटे का किया गया, तो 1 घंटे में पहले निकालिए, कैसे निकालिएगा, देखिए 2 मिनट 30 सेकंड, तो उसको पूरा सेकंड में करिए, 60 दूनी 120 और 30, 150 सेकंड, तो 150 सेकंड में 450 मीटर दूरी। अब 1 घंटे में जो होता है 60 मिनट होता है, और अगर इसको सेकंड में करिएगा तो 60 से और गुना होगा, यानी 3600 सेकंड में कितनी दूरी। और बाद में दूरी को आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो मीटर में आएगा। देखिए ध्यान से आपको सिखा रहे हैं अच्छे से, ये काटिएगा तो 0 0 15 3 45, 36 3 मालूम है आपको, 108 होता है 2 0 लगाकर, ठीक है, तो 108 00 मीटर है। किलोमीटर में करने के लिए आपको इसे 1000 से भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो सवाल ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, आप ढंग से बनाइए, अच्छी प्रैक्टिस रखिए, आपका अपना कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब बहुत सारा टेस्ट सीरीज लगाएंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा सिलेबस कवर करिए, ढंग से सिलेबस करने के बाद ही आप अपना टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना शुरू कीजिए, टेस्ट कॉम्पिटिशन तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आजकल उतनी सीटें नहीं है, सीटें कम है, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगानी होगी। देखिए समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं का लंबाई का अनुपात कितना है, 3:1, उनके संगत कोणों का अनुपात। अगर आप सिमिलैरिटी को थोड़ा सा भी जानते हैं तो सिमिलैरिटी में होता है कि कोण बराबर होंगे तभी सिमिलर होगा, यानी कोण में कोई रेशियो नहीं होगा, वो बराबर होंगे, 1:1, कोण बराबर ही होंगे। हाँ अगर आप यहाँ कोण पूछे हैं तो 1:1, अगर आप ये पूछ देते कि एरिया का रेशियो क्या होगा तो इसका स्क्वायर कर लेते 9:1, या फिर आप पूछते कि पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, मतलब इसके क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमाप का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग 3:1 ले लेते, या फिर कभी कभी और दूसरे साइड के रेशियो पूछ देते हैं तब भी 3:1 रहता, लेकिन अगर एंगल की बात कीजिएगा तो तब रेशियो नहीं रहेगा, तब तो बराबर रहेगा सर, क्योंकि एंगल 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 सिमिलैरिटी होता है, अगर एंगल बराबर नहीं होगा तो सिमिलर ही नहीं होगा। तो समरूपता के बेसिक सिद्धांत का ये सवाल है, आप जरा सा भी अगर सिमिलैरिटी पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए अगर भूल गए तो, क्योंकि इससे बन जाएगा सवाल। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, ध्यान दीजिएगा अधिक, 10% अधिक मतलब 10 से 11 अंकित किया, फिर वह उस पर प्रत्येक 5% की 2 छूटें देता है, ध्यान दीजिएगा 2 को छूट है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, और छूट देने का मतलब है 20 से 19, और 2 बार ये चीज वो 2 बार करेगा, बस हो गया, 2 2 4 यहाँ 4000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 19 361, 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 1 11 का 1 11 6 66, और 1 67 का 7, कैरी 6 11 3 33, और 6 इस तरह। अब आपसे पूछा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जाहिर सी बात है लॉस है, ये लॉस ही तो है, लाभ थोड़ी होगा, लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, अच्छा दोनों में से कौन सा हानि होगा देखना पड़ेगा सर, यहाँ कितना हानि हो रहा है, आप चेक करिए हानि कितने का है, 29 का, बटे में कितना 4000, और गुना कितने से 100, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, 4 यहाँ 40 से भाग देने की जरूरत है, तो 4 से खाली भाग दीजिए, 4 7 28, 7 जिसमें दिख रहा है मार दीजिए, बात खत्म, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है पर 7 तो आएगा ही आएगा, 5 तो कभी नहीं आएगा, इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इस सवाल में दिया है, देख के ही लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो सबसे पहले समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कब होता है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला छोड़ के माइनस वाला काट दीजिए, कि भाई माइनस वाला नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से भी 49 ए स्क्वायर हो रहा है, तो 7 ए का ही होगा, 5 ए रहता तो यहाँ पे 25 ए स्क्वायर होता, ए के बगल में 49 है तो पक्का है कि ए के बगल में 7 वाला होगा, सही हो जाएगा, यानी बिना कोई सॉल्व किए बिना पेन उठाए आप इस तरह के सवालों को ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना अच्छे से सीखिए, बहुत जरूरी है पेपर को पूरा अटेम्प्ट अच्छे से करने के लिए। क्वाड मास का सवाल है बाबू, इसमें से भाग दे दीजिएगा पहले, फिर आप गुना कर लीजिएगा, 18 8 कितना होता है 144, इसके बाद क्या है प्लस है माइनस है, आप कुछ भी कर लीजिए, तो 34 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 11 3, 3 में से 11 2, इसको 144 में आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 100, बहुत ईजी। देखिएगा रेलवे ने ये सवाल पूछा है कि बहुलक कौन सा होगा, आप ऐसे देखिए ना कि 13 मान लीजिए 13 है तो 13 कितनी बार आया, देखिए 3 बार आया हुआ है, 19 कितनी बार आया, तो 19 एक बार वहां दिख रहा है बस, 17 कितनी बार आया, एक बार यहाँ दिख रहा है एक बार वहां दिख रहा है, 2 ही बार आया, 11 कितनी बार आया, 1 बार आया है, तो बहुलक कौन होता है जिसकी जिसके आने के जो बहुत ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 13 की है, क्योंकि 13 3 बार आया है, तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। देखिए बाबू इसके सवाल को, इसमें बेईमानी वाला सवाल है, इस सवाल को रेशियो से बनाया जाता है, ऐसे लिखे सिंपल कि 1 किलो की जगह उसने 940 ग्राम दे दिया, बस हो गया सीपी एसपी का रेशियो, ये सीपी हो जाता है और ये एसपी हो जाता है, बात खत्म, सवाल बन जाएगा। आप इसको थोड़ा बहुत काट लीजिए, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे और कट रहा है, काटिए 2 4 8 2 7 14, 2 5 10, और कितना लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ है 43 पे, और गुना कितने से 100, बस इस तरह से थोड़ा सा भाग दे दीजिएगा, 6 बार जाएगा, एक ही ऑप्शन में है 6, हम खत्म।
देखिए इस सवाल में साइन कॉस का सवाल ही तो फॉर्मूला पे सवाल है। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब जानते हैं इस फॉर्मूले को। साइन ए प्लस बी मतलब जोड़ लीजिए इन दोनों को, 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो बात खत्म। इस सवाल में देखिए क्या दिया है, इस सवाल में भी बहुत कुछ नहीं है, बस जोड़ दीजिए 64 और 8 जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा। पॉइंट का ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है, बस आप पॉइंट का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे 16 4 20, 20 में से 8 जाएगा 12, बस खत्म। अगर हम पॉइंट का खाली ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक कर दें, बाकी 72 पक्का है कि 6 आएगा और 1 0 पे पॉइंट लगेगा, यानी पॉइंट 6 होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे ही सवालों के बेस्ट अप्रोचेस बताए हैं। जहां जहां थोड़ा बहुत बोलने लायक जगह था, जो थोड़ा बहुत और डिस्कस हम कर सकते थे, हम किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।